अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम, जहां बरेली में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में आज राज्यपाल ने की है शिरकत। आइए डालते हैं मोहम्मद आजिब की एक विशेष रिपोर्ट पर। सलोनी एक बार सिखा डिग्री उछालिएगा, डिग्री उछालिएगा, उछालो। जब मैं थ्री बोलूंगा तब आप लोग डिग्री उछालिएगा। मोहित पीछे आ जाओ, आप और पास आ जाओ, इमरान पीछे आ जाओ। 1 2 3 अब एक बार जी, मेरा नाम आर्यन नफीस है। कहाँ से आप बिलोंग करती हैं और आपको आज गोल्ड मेडल मिला है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं बिजनौर में रहती हूँ और आज जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि आज मुझे गोल्ड मेडल मिला है, जी हाँ, उसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस अवसर पे मुझे यहाँ आने का मौका दिया है ना। मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। और साथ साथ क्या बनना चाहते हो? जी, मैं एक मतलब देश के लिए बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल आई एम वर्किंग अपॉन इट कि व्हाट आई हैव टू डू। नफीस अख्तर, आपकी बेटी को गोल्ड मेडल मिला है, उसको क्या कहना चाहते हैं? मेरी बेटी ने एक माँ बाप का नहीं गुरु जो कर भी बहुत ज़्यादा स्थान ऊंचा किया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और मेरी मनोकामना है कि आगे भी मेरी बच्ची ऐसे ही करती रहे। धन्यवाद। 2023 की साल पूरा विश्व मिलेट वर्ष के रूप में मनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, मिलेट के रूप में। तो मिलेट पहाड़ों में भी होता है, हमारे किसान करते थे पहले, बाजरा उगाते थे, ज्वार उगाते थे, कई ऐसे धान थे और लोग खाते थे, बीमारियां कम होती थी। और इसी वजह से मैं होम साइंस और होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, वे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मिलेट में से जितने व्यंजन बन सकते हैं इतने व्यंजन बनाइए और G20 देशों के जो प्रतिनिधियों इधर आए हैं उनको खिलाइए और उसमें एक बॉक्स भर कर लीजिए कि ये हम बाजरा में से ये थेपले बनाए हैं या बाजरे में से। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।